दोस्तों पिछले 5 सालों से मैं इसको फॉलो कर रहा हूं और सक्सेसफुली ये मैं जो चीज है इसको इंप्लीमेंट कर चुका हूं। दोस्तों इस दुनिया में अमीर तो सभी लोग बनना चाहते हैं, पर क्या सभी लोग अमीर बनते हैं? नहीं बनते हैं। लोग आइदर सैलरी से पैसा कमाते हैं या बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, लेकिन जो पैसे का मैनेजमेंट करना अच्छे से जानता है वही आदमी लंबे अंतराल के बाद अमीर बनता है। तो यहां पे आज आपको ऐसा नियम बताने वाला हूं जो अमीर लोग फॉलो करते हैं, जिसको बोला जाता है 50-30-20 रूल। बहुत ही आसान भाषा में आपको ये वीडियो में समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नियम बड़ा ही सिंपल है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो गोल राउंड आपको दिख रहा है, ये आपकी इनकम है, आपकी जो टोटल इनकम जो सैलरी से हो रही है या आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से जो इनकम हो रही है, ये टोटल इनकम का हम लोग यहां पे 3 भाग में डिवाइड करने वाले हैं। तो यहां पे जो पहला भाग है वो है 50%, दूसरा भाग जो करने वाले 30%, तीसरा भाग जो करने वाले हैं 20%। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पहला 50% है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये 50% ऐसा चीज है जो आपको डेली रूटीन में चाहिए, जो आपकी नीड है, जो आपके एसेंशियल्स है, यानी कि आपको जीने के लिए जो भी चीज आपको चाहिए वो आपका ये 50% में आती है। तो आपकी जो सैलरी का 50% का भाग है, यानी कि आधा भाग है, वो आपका ये जो नीड और एसेंशियल सर्विसेज होती है इसके अंदर आपको देना चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, या मान लेते हैं 20,000 रुपए है, तो 20,000 में 50%, यानी कि 10,000 रुपए आपको अपनी एसेंशियल सर्विसेज, यानी कि जीने के लिए, घर का खर्चा उठाने के लिए आपको वो पैसे जो है उसको खर्च करने। उसमें क्या क्या चीज आएगी? सबसे पहले चीज आएगी राशन पानी, आपको खाने की जो भी चीज है डेली, वो सारी चीज उसके अंदर आएगी। आपका मोबाइल का बिल आएगा, आपका इंटरनेट का बिल आएगा, आपका बिजली का बिल आएगा, आपका दूध का बिल आएगा, सारे बिल्स इसके अंदर कवर होते हैं। इसके साथ में अगर आप देखेंगे, इंश्योरेंस है, हेल्थ कवर है, मेडिकल फैसिलिटीज है, आपको मेडिकल सर्विसेज है, वो सारी चीज इसके अंदर आएगी जो जीने के लिए आपको चाहिए। तो आपका महीने का जो 50% सैलरी का खर्चा है आपको वो एसेंशियल्स में डालना है और एसेंशियल से उसको आपको खर्चा करना है। अब यहाँ पे जो दूसरा खर्चा है उसको बोलते हैं वॉन्ट्स, यानी कि आपको जो चीज जीने के लिए नहीं चाहिए, महोत्सव के लिए चाहिए, है ना। ये चीज अगर आपके लाइफ में नहीं भी होगी, ये जो वांट वाली चीज है, ये चीज आपके लाइफ में नहीं भी होगी तब भी आप जी सकते हैं, लेकिन ये जो चीज है, ये चीज अगर आपकी लाइफ में नहीं होगी तो आप अच्छे से जी नहीं पाएंगे। तो ये जो 30% है इसमें क्या क्या चीज आती है? आप मूवीज जाते हैं बाहर में, आपको रेस्टोरेंट में खाने का शौक है, आप महीने में 1-2 बार रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहीं पिकनिक चले जाते हैं, आप कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, है ना। तो आप हॉबीज है आपकी कुछ, आपको जिम फिटनेस लेवल मेंटेन करना है, जिम में जाते हैं, आप कोई क्लासेस करते हैं, तो वो सारी चीज जो है, क्लासेस का मतलब मेरा ये नहीं कि टीचिंग क्लासेस, आप जैसे सिंगिंग का क्लास, आपका जो आर्ट है उसको आप निखारने के लिए जो क्लास करते हैं, तो वो चीज जो है, वो चीज आपकी आती है 30% में। जी जो नहीं भी करोगे तब भी आपकी लाइफ चलेगी। और यहां पे बाकी बची 20%। तो ये 20% में क्या आएगा? ये 20% ऐसे पैसे हैं जिसको आपको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। तो मतलब अगर 20,000 आपकी सैलरी है तो उसमें से 10,000 रुपए आपके एसेंशियल्स, आपका महीने का खर्चा होना चाहिए। 6,000 रुपए जो है वो आपका वॉन्ट, यानी कि आप बाहर खाने जाते हैं, पेट्रोल का बिल या जो भी है, XYZ, जो भी आपको महोत्सव के लिए करना है वो सारी चीज, ये 30% यानी कि 6,000 रुपए में होनी चाहिए। और बाकी बचे जो 4,000 है, वो 4,000 को आपको सेव करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, करना ही करना है। ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लंबे टाइम पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका पोर्टफोलियो बढ़ाते रहेंगे, और आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप अमीर जरूर बनेंगे अगर इस चीज को फॉलो करेंगे। अब यहां पे आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक चीज बताता हूं जिससे ये आप फॉलो कर सके। देखिए दोस्तों, देखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब इसको फॉलो करने का टाइम आता है ना, तब आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहां पे आपको सबसे पहले ध्यान रखिए, जो सेविंग वाला ब्लॉक है ना, इसको छेड़ना नहीं है। ये जो चीज है इसको छेड़ना नहीं है आपको, ये चीज जो है इसको भी छेड़ना नहीं है। अगर आप अपने एसेंशियल्स, मतलब कि आप घर का खर्चा जो है उसको आप लिमिट कर दोगे और आप सेविंग बढ़ाओगे, नहीं मेरे को तो आज इन्वेस्ट ज्यादा करना है, 20,000 सैलरी यही है, मैं 10,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, बाकी जो 10,000 बचेंगे उससे घर चलाऊंगा। दोस्तों ऐसा स्ट्रेच नहीं करना है। अपना जो बजट है, घर का बजट है, उसको आपको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। उसमें 50% है आपको, आप देखिए इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, आप अपना पिछला 6 महीने का रिकॉर्ड देखिए, आप 6 महीने का रिकॉर्ड देख के आप अंदाजा लगाइए कि आपको एवरी मंथ में घर को चलाने के लिए कितना रुपया चाहिए। तो जैसे ही सैलरी आती है उतना रुपया साइड करके आप अपनी मिसिस को दे दीजिए, या अगर आप खुद मैनेज करते हैं तो आप खुद उसको मैनेज करिए।
अब बाकी जो पैसा बचा उसमें से आप सेविंग वाला अकाउंट का जो पैसा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, 4,000 रुपये आप उसको सीधा इन्वेस्ट कर दीजिए आंख बंद करके, कुछ भी चीज़ नहीं देखनी। अब बाकी जो पैसा बचा, ठीक है, वो पैसे को आपको खर्चा करना है, चाहे आप महोत्सव करना है, होटल्स जाना है, जो भी करना है उस पर करना है। अभी ऐसा हो सकता है कि आपका 20,000 सैलरी है और आपको 10,000 में नहीं पड़ेगा, आपको घर का खर्चा चलाने के लिए आपको 12,000 रुपये चाहिए, तो यहाँ पे आपको 60% कर देना है ना, यहाँ पे 60% कर देना है, लेकिन ये 20% ऐसा ही रखना है। और कॉम्प्रोमाइज क्या होगा आपका ये अमाउंट बजट, आपको 30% को 20%, मतलब आपको 20% ही खर्चा करना है और आप ये कर भी सकते हैं। दोस्तों हर एक लोगों का ऐसा महोत्सव वाला लाइफ नहीं होता है, और अगर होता भी है तो आपको सेविंग करने के लिए, यहाँ पे सेव करने के लिए पैसा, आपको अपना महोत्सव को थोड़ा कम करना पड़ेगा। आपको पैसे को उड़ाना नहीं चाहिए, वो पैसे को आपको सेव करना चाहिए। अब ये जो चीज़ बताने वाला हूँ जबरदस्त चीज़ है, ये तीनों को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो इसके लिए आप अलग अलग बैंक अकाउंट रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि कोई भी चीज़ के ऊपर जब तक टैग नहीं लगा रहता है वो चीज़ जो है वो हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। आपके जो पैसे हैं ना उसको टैग लगाना पड़ेगा आपको कि ये पैसे जो है ये पैसे भाई इन्वेस्टमेंट के हैं तो इसको मैं टच नहीं करूंगा, तो आपको दिमाग को क्या एक सिग्नल जाएगा कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट का पैसा है इसको टच नहीं करना। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा है तो क्या होगा कि आप उसको कहीं पे भी खर्चा कर देगा, अरे जरूरत पड़ी अरे यार लाना ये पैसा निकाल लेना, यही पैसे खर्च कर देते और बाद में आपके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं मंथ एंड तक। तो टैग करने के लिए क्या करना है, टैग करने के लिए सिंपल चीज है, आप अलग अलग बैंक अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज है, आप तीन बैंक अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन सब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप दो बैंक अकाउंट भी रख सकते हैं। दो बैंक अकाउंट में आप क्या करिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अकाउंट अलग कर दीजिए, सिंपली इन्वेस्टमेंट का पूरा अकाउंट अलग कर दीजिए, और आपका जो इसेंशियल्स है और आपका जो वांट्स है, यानी कि ये दो चीज जो है 50% 30%, इसके लिए एक अकाउंट रखिए। आपकी सैलरी भी उसी में आएगी और आप उसमें जैसे ही आपकी सैलरी पड़ती है आपको सीधा सेविंग अकाउंट में, आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसके अंदर आपको 20% पैसा साइड कर देना है। अब यहाँ पे ये जो 50-30-20 है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और वो आपको डिसाइड करनी है कि किस हिसाब से मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखूँ। अब जैसे मान लेते हैं कोई बंदे का सैलरी 2,00,000 रुपए है ना, तो 50% यानी कि 1,00,000 रुपए महीने का खर्चा नहीं हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, वो 50,000 में मैनेज कर सकता है। तो उस टाइम पे आप बाकी के जो पैसे है वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे 20% को 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा है कि भाई सैलरी कम है मेरी, तो मेरा जो 20,000 रुपये सैलरी है तो 10,000 में मेरे को नहीं पड़ेगा, मैं भरा घर का खर्चा नहीं चला पाऊंगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो वॉन्ट वाला पार्ट है ना उसको कम करके आपको अपना नीड्स जो है आपका जो महीने का खर्चा है उसको बढ़ा देना है, 12,000-14,000 कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कम कर देना है। और ये सेविंग जो पार्ट है उसको टच नहीं करना, ये सेविंग वाले को आपको इधर बढ़ा सकते हो या उतना ही रखो, कम मत करो, है ना। दोस्तों पिछले 5 सालों से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और सक्सेसफुली ये मैं जो चीज़ है इसको इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। मेरे पास अभी 2 बैंक अकाउंट है और मैं दोनों को इस हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए ताकि आपका भी जो मनी मैनेजमेंट है, जो पैसों का मैनेजमेंट है, वो एक अच्छी तरीके से हो पाए और आप हर एक पैसे को टैग करके एक अच्छा पोर्टफोलियो आगे जाके बना पाए और आप भी अमीर बनने की राह पे निकल पड़े। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो ये चैनल पे मैं लाता रहता हूं। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में कुछ मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड एंड जय हिंद।